आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जन्माष्टमी का एक और पोस्टर बनाएंगे। पहले वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को देख के आप उस टाइप का पोस्टर बना सकते हैं दोस्तों। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ इस टाइप का पोस्टर बनाएंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पोस्टर की आपको PLP फाइल एंड PNG बिल्कुल फ्री में दे दी जाएंगे, आपको डाउनलोड करके अपना पोस्टर क्रिएट कर लेना दोस्तों। तो आज के वीडियो को दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं जी। फाइल पर पासवर्ड है दोस्तों, आपको दो स्टेप में वीडियो में देखने को मिल जाएगा, आपको वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। तो आज के वीडियो को दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको PixelLab ऐप ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। सबसे पहले इस न्यू टेक्स्ट को आपको हटा लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको बैकग्राउंड ऐड करना है। तो बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए आपको 3 डॉट पे जाना है। यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक करके अपनी दोस्तों गैलरी ओपन हो जाएगी। फिर आप अपने को कुछ इस तरह का बैकग्राउंड दोस्तों ऐड कर लेना। इस बैकग्राउंड की आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, आपको ये बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको PixelLab में हम ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आपको मैं एक सेफ PNG दूंगा साथ में, उसमें मोरपंख भी है, वो वाली PNG हमें यहाँ पर ऐड कर लेनी है। उस PNG को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस PNG को ऐड करने के लिए आपको प्लस पे जाना है और फ्रॉम गैलरी पे दोस्तों आपको क्लिक कर लेना। कुछ इस तरह की आपको PNG मिलेगी, उसको हमें ऐड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसको बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्ट कर लेना। PNG पर हमें क्लिक कर लेना, बीच वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इसके बाद दोस्तों हमें रिलेटिव साइज पर जाके इसे फुल कर लेना, कुछ इस तरह से ओके कर लेना। लेयर पर जाके आपको दोस्तों लॉक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको मैं एक और PNG दूंगा, उस PNG को भी हम ऐड दोस्तों कर लेंगे। प्लस पे जाना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह की PNG मिलेगी, उसको हमें ऐड कर लेना है इस तरह से, और फिर रिलेटिव साइज पर जाके इसे फुल कर लेना कुछ इस तरह से दोस्तों। लॉक इसे ओके करके लॉक कर देना लेयर पर जाके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको स्लोक वाले PNG ऐड कर लेना है। तो प्लस पे जाना है और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरह के स्लोक वाले PNG को दोस्तों हम ऐड कर लेंगे और रिलेटिव साइज पर जाके इसे फुल कर लेंगे कुछ इस प्रकार से दोस्तों, और लेयर पर जाके लॉक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, वो वाले टेक्स्ट PNG भी हम ऐड कर लेते हैं। तो प्लस पे जाएंगे और फ्रॉम गैलरी पर हम क्लिक कर लेंगे दोस्तों, और कुछ इस तरह के जन्माष्टमी वाले PNG को दोस्तों हम ऐड कर लेंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस PNG को हम ऐड कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और रिलेटिव साइज पर जाके इसको फुल स्क्रीन दोस्तों हम कर लेंगे कुछ इस प्रकार से दोस्तों। आप देख सकते हैं लेयर पर जाके इसे दोस्तों हम लॉक कर देंगे, ठीक है। लेयर पर जाके लॉक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको कर्सन वाली PNG को हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो प्लस पर जाएंगे और फ्रॉम गैलरी पर हम क्लिक कर लेंगे कुछ इस तरह से, कर्सन जी की PNG को हम ऐड कर लेंगे और फुल स्क्रीन कर लेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। और लेयर पर जाके हमें लॉक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके बाद दोस्तों हमें जो नेम प्लेट होती है वो हमें ऐड कर लेनी है यहाँ पर, ठीक है, जिस पर अपना हम नाम लिखेंगे। तो नेम प्लेट को ऐड करने के लिए आपको प्लस पे जाना है और फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक कर लेना है कुछ इस तरह की। आपको दोस्तों नेम प्लेट हमें यहाँ पर ऐड कर लेनी है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों आपको लेयर पर जाके लॉक कर लेना है और अपनी फ़ोटो यहाँ पर हमें ऐड कर लेनी है। तो फोटो को ऐड करने के लिए आपको प्लस पर जाना है और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना है और अपनी कुछ इस तरह के फ़ोटो को हम यहाँ पर दोस्तों सेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमें शुभेच्छक के आगे अपना जो भी नाम है तो आपका नाम हमें यहाँ पर लिख लेना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद पोस्टर बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको सेव करने के लिए आपको शेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और डिफॉल्ट पर क्लिक कर लेना, अल्ट्रा पर जाना है और सेव टू गैलरी पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना। अपना पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों। इस पोस्टर की आपको PLP फाइल एंड PNG बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। पासवर्ड आपको दो स्टेप में देखने को मिल जाएगा। वीडियो को आपको एंड तक देख लेना दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।